आज हम एग्जाम्पल 5 हल करेंगे कि किस तरह से लाभवाणी विवरण खाता तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है आपके 31 मार्च 2017 को अर्नव लिमिटेड की पुस्तकों में निम्न सूचनाएं दी गई हैं और इन सूचनाओं की सहायता से लाभवाणी विवरण तैयार करना है। लाभवाणी विवरण जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमारे कंपनी अधिनियम अनुसूची 3rd भाग 2 में उसका प्रारूप निश्चित है, इसी क्रम में बनाना है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे इसके अंदर दिए हुए हैं ये सारे शीर्षक कहलाते हैं, तो सबसे पहला काम यही चीज होती है कि हम हमारे जो सवाल है उसके अंदर जो मदें दी हुई है, जैसे सेल्स है, सैलरी है, वेजेस है, बोनस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इन मदों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा उसकी हम पहले ही लिख दें तो हमारा सवाल करना आसान होता है। कौन सी शीर्षक में क्या आएगा ये आपको पहले बता चुके हैं, आपके पास नोट्स भी हैं, बुक में भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि इन मदों के सामने इन शीर्षों का नाम लिखेंगे कि कौन सी मद किस शीर्षक के अंतर्गत आती है। जैसे सेल्स है तो सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है, इसलिए हम इसमें यहां लिख देंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सैलरी है, सैलरी हमारी आती है किसके अंदर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके अंदर दिखाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो वेजेस भी इसी के अंदर आता है, टेस्ट कर देंगे। बोनस भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं क्योंकि कर्मचारियों को मिलता है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, कर्मचारियों पर किया गया मेडिकल का खर्चा होता है, ये भी इसी के अंदर आएगा। ग्रेजुएटी, ये भी जो नियोक्ता का अंशदान है ग्रेजुएटी में वो भी इसी के अंदर आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम बात करते हैं तो ये अदर एक्सपेंसेस में आती है, इसलिए इसके सामने लिख देते हैं अदर एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये भी हमारे अदर एक्सपेंसेस के सामने आते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात करें तो ये हमारी आती है फाइनेंस कॉस्ट में, इसलिए इसके सामने हम लिख देते हैं फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर में मूल्यह्रास है जो आता है हमारा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में, तो हम इसके सामने लिख देते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो आता है हमारे इसके अंदर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो निर्माणी संस्था होती है वहां पर फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस मिलता है स्टॉक के रूप में, 3 स्टॉक होते हैं, और जहां केवल वस्तुओं का क्रय करके बेचा जाता है वहां सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड होगा। तीनों की बात हुई थी, जहां कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा वहां चेंज इन इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, और जहां परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा वहां पर स्टॉक इन ट्रेड आएगा चेंज इन इन्वेंट्री। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो अंतर है वो किस में आता है, चेंज इन इन्वेंट्री में, तो ये दोनों ही हमारे किस में आएंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज में। सेल्स ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ स्क्रैप भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है, इसी का एक पार्ट होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया था कि यदि वित्तीय कंपनी है तो प्राप्त ब्याज जो है
वो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। लेकिन गैर वित्तीय कंपनी अगर होती है तो वही यही इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होती है उसकी अदर इनकम में शामिल हो जाता है। इसको हम लिख देंगे अदर इनकम। और इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये खुद में एक हेड है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। तो जिस तरह से हमने इस सवाल के अंदर यह पता लगा लिया कि कौन सी मद किस शीर्षक के अंतर्गत आती है, इसी प्रकार बैलेंस शीट का जो सवाल होता है इसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके अंदर भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। सवाल की जो मदें होंगी फर्नीचर है, कैपिटल है, मशीन है, गुडविल है, डेटर्स हैं, बिल्स पेबल है, डिवेंचर है या अदर और कोई भी जो भी है इंटरेस्ट एक्रूड है वो आपके लिखोगे और उसके सामने आप प्रैक्टिस के लिए किस उपशीर्षक में बैलेंस शीट का भी प्रारूप इस प्रॉफिट एंड लॉस के प्रारूप की तरह निर्धारित होता है वहां पर भी आपके फिक्स चीजें होती हैं, तो वो मद किस उपशीर्षक के अंतर्गत आती है उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद हमारा आगे का काम आसान हो जाता है। तो अब हमने यहां पर ये जो सवाल है इसमें हमने ये इनके शीर्षकों के नाम लिख दिए कि ये किस शीर्षक के अंतर्गत आएगा। अब जैसे इस सेल्स का देखें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक और आ रहा है और वो आ रहा है हमारा सेल्स ऑफ स्क्रैप 32 लाख और 90,000 दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ करके राशि यहां पर लिख दी जाए। इसी प्रकार अदर इनकम देखें तो अदर इनकम में सिर्फ एक आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव 30,000, इन दोनों का योग करेंगे 33,20,000। सॉरी इसको हटा देते हैं, चलो इसको लिख देते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आया सवाल के अंदर, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपेंसेस में उसी एक्सपेंसेस का नाम हेड लिखेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमारे पास सवाल के अंदर है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 13,20,000 है, हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन वास्तव में सवाल अपनी जगह होता है 32,90,000 कहां से आए, कैसे पता लगे। इसलिए इन सब राशियों की गणना करने के लिए नोट टू अकाउंट बनाया जाता है, लिखेंगे हम इसमें 32,90,000 जोड़कर लिखेंगे। लेकिन वो जोड़ा कैसे जाएगा उसकी गणना करने के लिए हमें नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, जोड़ने के लिए केवल कि हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने आएंगे। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करें तो ये 5 और एक यहां पर और है 6, ये 6 एक्सपेंसेस हैं, सब पॉजिटिव हैं, सारे एक साथ जोड़ेंगे और इसमें उसकी टोटल राशि लिखी जाएगी। लेकिन जोड़ने का जो काम होगा वो नोट टू अकाउंट के अंदर किया जाएगा। यहां ध्यान रहे जब सवाल में कहा जाए कि लाभ हानि विवरण खाता तैयार करना है तो पहले बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, उसके बाद नोट टू अकाउंट बनेगा, तो इसलिए पहले इसका प्रारूप के लिए निर्धारित जगह छोड़े, लिखेंगे बाद में, मध्य बाद में लिखना अंदर, क्योंकि जैसे इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो नहीं आया तो वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको जगह छोड़ते हुए नीचे नोट टू अकाउंट बनाएंगे और ऐसा ही हमें बैलेंस शीट का प्रारूप भी बनाते समय करना है। बैलेंस शीट की ऊपर जगह छोड़ेंगे, नीचे नोट टू अकाउंट बनाएंगे, नोट टू अकाउंट इसी तरह से बनाया जाएगा। पहले हम सवाल के अंदर जो जो मदें दे रखी होंगी बैलेंस शीट की, उन मदों के सामने उनके उपशीर्षकों का नाम
साइड कैपिटल में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, या अदर करंट लाइबिलिटीज है, या टेंजिबल असेट है, या इनटेंजिबल असेट है, किसके अंदर आते हैं उनको अलग अलग लिख देंगे। और उसके बाद हम, जैसे अब मैं इसमें आपको बता रहा हूं कि किस तरह से नोट टू अकाउंट बनाया जाएगा, तो हम बात करते हैं नोट टू अकाउंट की, इसको हम मिटा देते हैं। नोट टू अकाउंट में अमाउंट का कॉलम कितने बना सकते हैं, यहां लिख देंगे नोट टू अकाउंट कुछ नहीं होता, केवल हमने जैसे अभी बताया था आपको कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 32,90,000 लिखे थे, तो वो 32,90,000 कैसे आए, इसलिए इसकी गणना की जाती है। तो यहां जैसे नंबर एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो हमने देखा लिखा हुआ है सेल्स, तो यहां हम लिखेंगे सेल्स, और चाहे तो अमाउंट के दो कॉलम बना दो ताकि मेन कॉलम में सीधी राशि जाए। सेल्स, सेल्स के अंदर 32 लाख, और दूसरा आता है हमारा सेल्स ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ स्क्रैप। तो ये आ गया 32,90,000। तो पहला नोट तैयार हो गया। दूसरा नोट, अब जरूरी नहीं है कि हम जो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप है उसके अनुसार ही बनाए, अदर इनकम ही बनाए, इसके अंदर आपकी मर्जी हो जैसे नोट बना सकते हो। जैसे अभी हमारे पास अब ये शुरुआत यहां से हो रही है और ये आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, तो ये दूसरा नोट बन गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और इसमें हम लिख देंगे सैलरी दी हुई है 54,000, वेजेस दिया हुआ है 40,000, बोनस दिया हुआ है 62,000, मेडिकल एक्सपेंसेस 18,000, और ग्रेजुएटी पेड 60,000, और नीचे जो दिया हुआ है एक और आया है कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, और ये राशि दी हुई है 80,000। इसका योग करेंगे, या ध्यान रखना है कोई राशि नेगेटिव भी हो सकती है, उसको ऋणात्मक दिखाना है, घटाना है जोड़ते समय। तो यहां हम बात करें तो अब आता है ₹3,00,000 और ये 14,000। इसी प्रकार हमारा तीसरा नोट बनाएंगे। अब इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट यहां तक हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अदर एक्सपेंसेस, तो तीसरा अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस में देखें तो दो ही आते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 25,000 और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 40,000। इसके बाद हमारा फाइनेंस कॉस्ट आती है, तो चौथे नंबर पे
फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हम देखते हैं तो एक ही आ रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की राशि है 70,000। यहां ध्यान रखना है एक मद भी है तो भी उसका नोट बढ़ेगा, सीधी शीर्षक में नहीं लिखी जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और यहां डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है, और फर्नीचर की राशि जो है वो है हमारे पास 25,000। इसके बाद स्टॉक की बात आती है तो स्टॉक आता है चेंज इन इन्वेंटरीज में, चेंज इन इन्वेंटरीज में छठा ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक ऑफ ट्रेड में किस तरह से लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड और क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड, यहां देखें 1,40,000 और 2,00,000 दो मदे हैं। क्लोजिंग वाला लेस होगा, चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब ये होता है ओपनिंग से क्लोजिंग कितने हो रहे हैं, तो ये हमारा ऋणात्मक आ जाता है 60,000। इसी प्रकार हमारे पास इसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या आ चुका अदर इनकम। तो सातवें नंबर पे अदर इनकम, और अदर इनकम में आ रही है इंटरेस्ट रिसीव्ड। और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो राशि है कितने, 30,000। तो इस तरह से हम नोट नंबर बना लेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड खुद अपने आप में शीर्षक है इसलिए नहीं लिखेंगे, और इसका हमारा हो गया। तो इस तरह से आपको नोट बनाने हैं, और इसी प्रकार नोट बैलेंस शीट पे बढ़ेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, उनके उपशीर्षक होते हैं सभी के, उपशीर्षक डालेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी मद आती है उसको लिखेंगे, उसकी राशि और जोड़ देंगे, ताकि हमारे पास एक्चुअल राशि का पता लग जाए। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32,90,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 3,14,000, अदर एक्सपेंसेस 65,000, फाइनेंस कॉस्ट 70,000, डेप्रिसिएशन 25,000, चेंज इन इन्वेंटरीज स्टॉक इन ट्रेड ये दी हुई है हमारे पास ऋणात्मक 60,000, और अदर इनकम ये दी हुई है 30,000। अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें गलती हो गई है, सैलरी जो है वो 5,40 है, 5,40 होने पे इसका टोटल जो आता है वो आता है 8,00,000। तो इस तरह से हमारा नोट टू अकाउंट बनेगा। नोट टू अकाउंट बनने के पश्चात हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर नोट नंबर 1 बनाया हमने, क्रम संख्या लिखी हुई है, नोट नंबर होते हैं इसके अंदर 32,90,000। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट नंबर 1 32,90,000। इसके बाद सेकंड नोट आता है अदर इनकम, हमारे पास पसंद में है इसलिए हम अदर इनकम लिखेंगे, और अदर इनकम के अंदर नोट नंबर 7 बनाया है 30,000, तो यहां लिखेंगे 7 नंबर और 30,000। तो इस तरह से हमारे ये हो गया 33,00,000 और 20,000। 33,00,000 20,000 हो जाने के पश्चात अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर जो जो दिए हुए हैं उसमें सबसे पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास जो है वो 13,20,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने उसके लिए नोट नंबर नहीं बनाया। सीधी दी अगर राशि दी हुई है तो उसके लिए नोट बनाने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, यहाँ एक चीज ध्यान रहे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से पहले हमारे जो आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमारे सवाल के अंदर नहीं है तो हम इस एक्सपेंसेस में उनको नहीं लिखेंगे। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज भी हमारी तीन नहीं थी, एक थी स्टॉक इन ट्रेड की जिसकी हमने गणना की छठे नंबर पे और ऋणात्मक 60,000 आया, तो यहाँ 6 नंबर लिखेंगे और ब्रैकेट में 60,000 लिखेंगे। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखते हैं तो हमारे सेकंड नंबर पे नोट बनाया हमने और राशि आई 8,00,000, तो नोट नंबर 2 डालेंगे और 8,00,000। ऐसे ही फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 4 और 70,000, ऐसे डेप्रिसिएशन नोट नंबर 5 और 25,000 और अदर एक्सपेंसेस के रूप में नोट नंबर 3 और 65,000। तो इस तरह से हम देखते हैं नोट नंबर इसलिए डाले जाते हैं ताकि हमारे बैलेंस शीट देखने के पश्चात हम देख सकते हैं कि अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम है। नोट नंबर 7 देखो, अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड है। नोट नंबर 2 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो नोट नंबर 2 देखो और कौन कौन सी मदें हैं उसके अंदर, इसलिए नोट नंबर डाले जाते हैं। इसका टोटल एक्सपेंसेस कर देते हैं, ये आता है हमारे 22,20,000। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 11,00,000, ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमारे पास चूंकि टैक्स के रेट नहीं है इसलिए हम यहां तक ही हल करेंगे, अगर टैक्स रेट होती तो उसे लेस करते, टैक्स रेट हमेशा बिफोर टैक्स पे होती है। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे बैलेंस शीट का प्रारूप और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, इसलिए हमें इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। जो मद नहीं आई है उसको नहीं लिखना केवल, और इन मद की जो राशियां याद करने के लिए ही नोट नंबर बनाए जाते हैं, नोट बुक टू अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए हमें नोट टू अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से आपको आगे के सवाल और एग्जाम्पल्स हल करने होंगे।